की वीडियो में बताएंगे किस तरह से हम सॉलिड वर्क में बोटल ओपनर बना सकते हैं। तो बोटल ओपनर बनाने के लिए सबसे पहले हम पार्ट्स में जाएंगे, ओके करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आएगा। यूनिट को मिलीमीटर में ले लेंगे, प्लेन को वाइट कर लेंगे, इसे थोड़ा अच्छा इंटरफेस देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन चूज़ करेंगे, स्केच करेंगे, फिर एक सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, ओके कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करेंगे, लेंथ पे 100 मिलीमीटर देंगे और हाइट 50 मिलीमीटर, ओके कर देंगे। फिर सर्कल को चूज करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर पॉइंट से इस तरह से, याद रहे इस लाइन को टच ना करें, ओके कर देंगे। एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, ओके कर देंगे, एंड ओके। स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करेंगे, 28 डायमीटर होगा सर्कल का, इस सर्कल का 20 डायमीटर होगा, एंड ओके कर देंगे। फिर ट्रिम एंटिटीज को चूज करेंगे, ट्रिम टू कोलोरेस्ट, एंड इस तरह से ट्रिम करेंगे, इस तरह से, एंड ओके कर देंगे। उसके बाद लाइन पर को चूज करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, याद रहे लाइन वर्टिकल हो, एंड ओके कर देंगे। उसके बाद एक और बार लाइन यूज करेंगे और एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह से, एग्जिट करेंगे, फिर लाइन यूज करेंगे और दूसरे एंड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। उसके बाद दोबारा ट्रिम एंटिटीज पे जाएंगे, ट्रिम टू कलर्स यूज करेंगे इस तरह से, बीच वाली लाइन ट्रिम करेंगे, ये लाइन एंड ये लाइन, एंड ओके कर देंगे। उसके बाद फ्लेट पर जाएंगे, 3 mm का फ्लेट बनाएंगे और सारे एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ओके। फिर फीचर्स में जाएंगे इस तरह से, एक्सक्लूड कर देंगे 10 mm, याद रहे ब्लाइंड हो, एंड ओके कर देंगे। इस तरह से हम बॉटल ओपनर सॉलिड में बना सकते हैं। कलर देने के लिए इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंड इस पर क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, एंड ओके कर देंगे। कुछ इस तरह से हम सॉलिड वर्क में बॉटल ओपनर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।